तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब इस गेम प्ले की बात करूं तो भाई साहब, इस गेम प्ले में आपको भगौड़े देखने को मिलेंगे सीरियसली में, और एकेएम वर्सेस ग्रोजा का पावर देखने को मिलेगा, और लास्ट जोन में आपको ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो वो सब चीजें होंगी बाद में, लेकिन उसी के साथ मैं उतर जाता हूं भाई साहब अपनी सस्ती लैंडिंग के साथ मिल्टा पावर की फैक्ट्री एरिया में। और यहां पे दो लौंडे मेरे साथ और उतरे हैं, तो मैं सोचता हूं कि भाई साहब नीचे उतरेंगे तो मैं ऊपर उतर जाऊंगा, वो ऊपर उतरेंगे तो मैं नीचे उतर जाऊंगा, लेकिन वो लोग नीचे उतरते हैं तो मैं ऊपर उतर जाता हूं। और यहां पे कोई गन नहीं है भाई साहब, सीरियसली बोलता हूं, हर बारी यहां पे गन होता है। आप लोग भी कई बार उतरे होंगे तो यहां पे गन होता ही होता है, लेकिन इस बार मतलब पबजी वालों ने पूरा एकदम जाल बिछा के रखा है कि आजाद को हरवाना है। मतलब इससे पहले भी मैं कई गेम हार चुका था, तो भाई साहब यहां पे भी कोई गन नहीं था, लेकिन भगते भगाते किसी तरीके से आता और यहां पे मुझे UMP 45 सस्ती गन मिल जाती है। उसके बाद देखो यार, और भाई साहब इसको जैसे ही नॉक करता हूं इसका पार्टनर भगने भुगाने लगता है, तो मैं बोलता हूं इसको पहले फिनिश कर देते हैं उसके बाद पार्टनर को देखेंगे। और लौंडा आता तो सही है, लेकिन भाई साहब बॉट फायर होता है तो बॉट को देखने लगते हैं सर जी, और आराम से ठिल जाते हैं। उसके बाद बॉट अपने को भी दिख जाता है तो उसको मुक्ति देते हैं हम। SKS से मारेंगे, क्योंकि UMP से मारेंगे तो पता चलेगा 40 गोली मारा हूँ, 30 इधर उधर चली गई है, तो आराम से SKS से फिनिश करते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलते सीधा मिल्टा पावर, क्योंकि मिल्टा पावर में भी लोग गए होंगे। और भाई साहब यहाँ मैं सीधा बग्गी रोकता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई लौंडा तो ना है, तभी फायर होता है भाई साहब, तो मैं समझ जाता हूँ लौंडे तो हैं। और तभी दिखता है भाई साहब दो लौंडे गेट से भागे चले आ रहे हैं, तो देखो यार उसके साथ क्या होता है। और भाई साहब एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन दूसरा लौंडा घर के अंदर छिप जाता है, तो भाई साहब मेरे को लगता है दूसरा जिसको नॉक किया वो भी घर जाने की कोशिश करेगा, तो मैं रैंडमली फायर करता हूँ दरवाजे के ऊपर कि नॉक बंदा फिनिश हो जाए, लेकिन नॉक बंदा बहुत तेज होता है, कार के पीछे चला जाता है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है मैं आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक नेड करने की कोशिश करता हूँ भाई साहब, लेकिन नेड से कुछ होता नहीं, तो मैं रश कर देता हूँ। और भाई साहब मैं सोच के आता हूँ कि रिवाइव नहीं होने दूंगा, लेकिन लौंडा रिवाइव कर देता है, लेकिन भाई साहब किसी तरीके से दोनों को फिनिश कर देता हूँ। और मैं वहाँ पे रुकता नहीं, मेरे को लगता है यहाँ पे और भी बंदे हैं, तो भाई साहब मैं अंदर आता हूँ, हील वील करने की कोशिश करता हूँ, तो पता चलता है कोई फुटस्टेप दे रहा है, तो भाई साहब चलो पहले उसको ठिला के आते हैं। और भाई साहब मैं जैसे ही घर से निकलता हूँ पता चलता है वो बॉट था, तो बॉट को तो मैं मार देता हूँ, लेकिन उसके बाद पता चलता है लौंडा भी है यहाँ पे, तो भाई साहब मैं आराम से एक जगह खड़ा होता हूँ, हील वील करता हूँ, उसके बाद लौंडे का दिखने का वेट करता हूँ, जैसे ही दिखता है भाई साहब पेल देता हूँ। और मैं सीधा गाड़ी उठाता हूँ और भाई साहब जोन के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, और जोन के अंदर जैसे ही पहुँचता हूँ पता चलता है भाई साहब मेरे राइट में जो घर है वहाँ पे लौंडे, और मैं घर से थोड़ा आगे बढ़ चुका होता तो मैं गाड़ी नहीं रोकता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब ठिल जाऊँगा गाड़ी रोकूंगा, तो मैं कवर में गाड़ी रोकता हूँ, पत्थर का कवर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ लौंडे किधर, तो मेरे पीछे भी एक बॉट नज़र आ जाता है मुझे, तो मैं बॉट को मारने की कोशिश करता हूँ। और भाई साहब यहाँ पे दो तीन बॉट, मतलब दो चार बॉट यहाँ पे मिलेंगे भाई साहब, लेकिन मैं तीन को मैं मार दूंगा। और भाई साहब यहाँ पे दो रियल बंदा भी है, अब वो मेरे को नहीं देख पा रहा है, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो लौंडा है ना मेरी गाड़ी को देख पा रहा है, तो बोलता है तुम्हारी पेटी नहीं बना सकता तो तेरी गाड़ी की बना दूंगा। मैं बोला बना दो कम से कम रश तो करोगे, मैं देखूंगा तो तुमको मार पीटी तो कुछ होगी, लेकिन भाई साहब मेरी गाड़ी की पेटी बनाने के बाद वो लोग क्या करते हैं,
रश नहीं करते हैं, भगने की कोशिश करते हैं भाई साहब। बाइक उठाते हैं, दोनों लौंडे बैठते हैं और कहां फुर्र से गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता भाई साहब। देखो, और भाई साहब मैं खुद से बोलता हूँ कि वो दोनों लौंडे दिमाग लगाए अपना निकल चुके हैं यहाँ से, और भाई साहब तुम भी दिमाग लगाओ नहीं तो तुम जोन से ठिल जाओगे। तो मैं भाई साहब बोलता हूँ पैर का इस्तेमाल करते हैं और सीधा जोन के अंदर निकलते हैं। और देख रहे हो भाई साहब, मतलब मैं कब से दौड़े जा रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ कब से भागे जा रहा हूँ भाई साहब, लेकिन ना कोई बंदा मिलता है मुझे ना ही कोई गाड़ी मिलती है। मतलब देख रहे हो कहाँ से भाग के आया हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पोर्शन काट दिया हूँ भागने का, और कितना पोर्शन दिखा रहा हूँ मतलब वो भी फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि स्लो स्लो में काटना नहीं चाहता था इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया भाई साहब, लेकिन बहुत दूर से भाग रहा हूँ लेकिन ना ही कोई बंदा मिला ना ही कोई बग्गी तक नहीं मिली। यार यहाँ पे तो हमेशा लगी रहती है भाई साहब, रोजॉक की ये पहाड़ी पे हमेशा कोई ना कोई गाड़ी बग्गी बाइक कुछ ना कुछ तो लगी रहती है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे 3 सीटर तक मुझे नहीं मिला। तो मैं बोल रहा हूँ भगो भगो, कब तक भगोगे, भगते जाता हूँ। और भाई साहब जोन दूर होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है, मतलब कितना जोन कट गया लेकिन भाई साहब एक लौंडा नहीं मिला। अभी बचे हैं भाई साहब 10 लौंडे और मैं किसी तरीके से नदी वदी पार करके भाई साहब किसी तरीके से भगने की कोशिश करता हूँ। और भाई साहब मैं फाइनली जोन के अंदर पहुंच जाता हूँ, मतलब इतनी खुशी मैं बता नहीं सकता सीरियसली में। और मैं इस पत्थर का कवर ले लेता हूँ, छोटे से पत्थर का, क्योंकि सामने वाले घर में मुझे यूएजी लगी दिख जाती है तो मैं समझ जाता हूँ लौंडे तो उधर हैं। और पीछे नहीं मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं पीछे से भागे चला आ रहा हूँ, इतने देर से आ रहा हूँ, कोई लौंडा मुझे दिखा नहीं, कोई फायरिंग हुई नहीं, तो पीछे लौंडा होगा नहीं, जो भी होगा सामने ही होगा। तो भाई साहब 4 लौंडे मेरे अपोजिट में बचे हुए हैं लेकिन सामने फायरिंग हो जाती है और पता चलता है मेरे पड़ोस से ही कोई कार 98 मार रहा है, तो फिर देखो उसको क्या हाल करता हूँ मैं। और भाई साहब इसको तो मैं आसानी से मार देता हूँ, उसके बाद भाई साहब मैं देखता हूँ गिली सूट पहना लौंडा, तो मतलब लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट भी होगा लौंडे के पास। तो मैं जाता हूँ लूटने के लिए, मैं सोचता हूँ कि उधर का लौंडे को मतलब क्या फर्क पड़ रहा होगा, वो आपस में लड़ रहे हैं ना अभी तो इधर नहीं देखेंगे। तो भाई साहब जैसे ही लूटने जाता हूँ पता चलता है मेरे ऊपर ही गोली चलती है, तो मैं भगता हूँ अपना पिछवाड़ा उठा के। और भाई साहब अभी मैं ठीक से भगा भी नहीं था लेकिन दूसरा जोन बन जाता है, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, वो भी मुझसे दूर, मतलब ऐसा करो ना कि उसी को जीत दे दो, मतलब बोलो कि तुम लौंडे जीत गए जोन के अंदर हो तुम। और भाई साहब कब से भगे जा रहा हूँ, एक बार तो एडवांटेज दो जोन का, नहीं कतई नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, तुमको भी पता चल रहा होगा कि कब से भागे जा रहा हूँ मैं जोन के पीछे पीछे। और भाई साहब यहाँ आता हूँ तो अभी भी लौंडे लड़ रहे हैं आपस में, क्यों लड़ रहे हैं पता नहीं, अभी 3 लौंडे बचे हुए हैं, दोनों अलग अलग टीम के हैं या एक ही टीम के, अपने को कुछ भी नहीं पता है। और भाई साहब एक लौंडा और निपट जाता है मेरे जोन पहुंचते पहुंचते, तो मैं समझ जाता हूँ भाई साहब 2 लौंडे जो बचे हुए हैं दोनों एक ही टीम के हैं, क्योंकि उसके मरने के बाद भाई साहब कतई शांति सी हो जाती है और दोनों लौंडे मुझे दिख गए हैं, उसके बाद देखो क्या करामात होता है। और भाई साहब एक को तो मैं पहले ही नॉक कर देता हूँ लेकिन दूसरे लौंडे को मारने के लिए मतलब इतने नेड करता हूँ भाई साहब, कहाँ कहाँ नेड नहीं फेंकता हूँ, मतलब उसका नॉक बंदा फिनिश हो जाता है लेकिन दूसरा लौंडा मरता नहीं, पता नहीं कितने ही हेल्थ लेके बैठा और कहाँ कहाँ भगते फिरता है भाई साहब। और हमारे कोई कोई नेड फेंक दे तो भाई साहब दूर में भी फटता है तो अपने को डैमेज होता है, पता नहीं उसको डैमेज भी हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, इतने ज़्यादा सस्ते नेड है मेरे। और भाई साहब उसके बाद वो नेड फेंकता है भाई साहब, उसके नेड पहुँचते ही नहीं मेरे पास, तो मैं समझ जाता हूँ कि आगे बढ़ के फेंकना पड़ेगा, उसके बाद मेरा ओवर कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब। और भाई साहब इस करतूत के बाद मैं खुद को शाबाशी देता हूँ, मैं बोलता हूँ वाह बेटे वाह, मतलब ओपन में आके नेट फेंकने की कोशिश की जा रही है लेकिन उससे होता कुछ नहीं, यूजी यूजी पटका देता है लौंडा और वो ठिलता भी नहीं है, पता नहीं कौन से जमाने से किस एरिया में बना हुआ नेट भी जाता है वहाँ पे, फटता भी है लेकिन लौंडा नहीं फटता। और भाई साहब उसी के साथ हो जाता है अपना नेट खत्म, उसके बाद अपने पास होता है स्मोक, तो मैं बोलता हूँ स्मोक फेंक के मारो, हिलेगा लौंडा इधर से उधर लेकिन लौंडा होता है बहुत तेज, हिलता भी नहीं है भाई साहब, एकदम ड्रॉप के पीछे एकदम छिप के बैठा होता है। स्मोक एक नहीं 2 फेंक देता हूँ, उसके बाद कुछ एडवांटेज मिलता है वो देख लो मेरा। और भाई साहब इसी के साथ पता चलता है लौंडे के पास पड़ा है ग्रोजा और भाई साहब मेरी फट जाती है क्योंकि जहर डैमेज होती है ग्रोजा का और अपने पास पूरा का पूरा हेल्थ भी नहीं है भाई साहब। और मैं सोचता हूँ ठीक है चलो एडवांटेज मेरे पास है, मैं स्मोक और 2-3 डाल देता हूँ, मतलब धुआं धुआं कर देता हूँ लौंडे को, लेकिन यही बात जोन भाई साहब को पसंद नहीं आती है, लौंडे के ऊपर जोन बना देता है। मैं बोलता हूँ वाह मतलब जीत दे देना, ऐसे ऐसे रख दो उसके आगे थाली लगाओ और बोलो चिकन डिनर लो कर लो, भाई साहब इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो उससे।
और भाई साहब मुझे अभी अभी पता चलता है कि मेरे पास एक मॉली भी है, यही चीज मुझे थोड़ी देर पहले पता चलता तो भाई साहब गेम कुछ और होती। तो मैं बोलता हूँ बहुत हो चुका, जो कुछ होता है मेरे पास स्मोक मॉली मैं फेंक देता हूँ वहाँ पे और FPP स्विच करके भगते जाता हूँ भाई साहब। और उसके बाद एक पत्थर का कवर ले लेता हूँ, उसके पीछे जाके उसके बाद देखो क्या होता है, मतलब मैं तंग आ जाता हूँ, मेरे से बोलता हूँ मैं अब सब्र नहीं होगा मेरे से। और भाई साहब मैं गेम हार जाता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दो ताकि मैं इस तरीके के मज़ेदार वीडियो हर रोज़ आप तक पहुँचाते रहूँ। और डिस्क्रिप्शन पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो मुझे, मेरे से बहुत सारी बातें कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पे, तो जाओ यार डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, फॉलो करो। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।